तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल स्टॉक जिसका प्राइस 30 रुपये है। क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर ईयर वाइज डाटा ओपन कर चुका हूँ और 2023 का रिजल्ट आ चुका है। तो रेवेन्यू में हम लोग को थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, नेटवर्थ में हम लोग को 2023 में ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट में कंपनी 102 करोड़ का प्रॉफिट पिछले ईयर किया था, अभी कम किया है। तो हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं, 30 रुपीज़ में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है। हम लोग मिनिमम अमाउंट यानी 500 डालेंगे, उसके बाद अगर शेयर ऊपर जाता है और डालेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम लोग बाय करेंगे तो 500 रुपये देकर, उससे ज़्यादा बाय नहीं करेंगे, पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, करीबन 58% रिटेल इन्वेस्टर, प्रमोटर 13%, डोमेस्टिक वाले 2.93, फॉरेन इन्वेस्टर 0.96 रखे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेरोपेन लेबोरेटरीज के बारे में, 30 रुपये में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे, रिजल्ट तो थोड़ा सा डाउन आया है, आप देखोगे चार्ट पैटर्न भी डाउन है, 68% की डाउनफॉल है। 94 रुपीज़ करके कंपनी 2001 में लिस्टिंग हुआ था, और दोस्तों आप देखोगे 6 रुपये तक आ गया। 6 रुपये से शेयर कोविड के टाइम में मिल रहा था 9 रुपये में, 9 रुपये से 71 तक गया था। इस बीच मल्टीबैगर रिटर्न दिया है शेयर होल्डर को, लेकिन गिरावट देकर फिर से बाउंस बैक कर रहा है। फुल डिटेल्स में अगर हम लोग स्टॉक को देखेंगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है, 1551 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप है, पी ठीक है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है, आरओसी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 2 का है, 25 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रखा है, एसेट भी ठीक ठाक यहाँ पर हम लोग को नजर आ रहा है। उसके अलावा आप देखोगे वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं रखा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर हम लोग को 0.03 नजर आ रहा है, यानी कम कर्जा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कर्जा मुक्त कंपनी है, फार्मास्यूटिकल में कंपनी काम करता है, 8 नंबर पर आता है। सेल ग्रोथ यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का सेल ग्रोथ अभी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, CAGR नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों ग्रोथ है, आगे माइनस था, और दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को नेट कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आ रहा है, एसेट में हम लोग को ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद आपको मिनिमम अमाउंट डालना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। हमारा जो टारगेट है यहाँ से 50 रुपीज़ का टारगेट है, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।